सरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। इस दौरान कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि कृषि, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन समेत ऐसे कई विभागों के प्रस्ताव इस बैठक में पारित किए जाएंगे। इसके अलावा दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी। तो आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलर्ट मोड पर उतर चुके हैं। लगातार वो जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सभी नेता भी लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही कह दिया था कि वो प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए पूरी तरह से जुट चुके हैं। वहीं आज लखनऊ में बैठकों का भी दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विभांशु। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ इस बैठक में मुख्य चीजें निकल के सामने आएंगी? देखिए, आज लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री आज 1 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें आने वाले समयों में जो कहा गया था कि 100 दिन के अंदर विकास कार्यों का खाका तैयार करके सभी मंत्रियों को देना होगा। साथ ही साथ आपने देखा कि प्रेजेंटेशन किया गया हर विभाग के द्वारा सेक्टर के हिसाब से बांट कर, और सभी विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ था। और प्रेजेंटेशन के दौरान जो तमाम विभाग थे, चाहे बात की जाए मत्स्य, चाहे बात की जाए शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी विभागों के द्वारा विकास कार्यों के 100 दिन का खाका तैयार किया गया था। उसी क्रम में आपको बताएं कि आज जो तमाम मंत्रिमंडल के 52 सदस्य हैं, ये सभी सदस्य आज मौजूद रहेंगे। और 1 बजे कालिदास जो है वहाँ पे सीएम आवास पे 5 कालिदास मार्ग, वहाँ आज बैठक की जाएगी। और बैठक में जो भी 100 दिन के काम किए गए हैं, साथ ही साथ आगामी जो काम है उस पर भी चर्चा की जाएंगी। वहीं आपको बताएं कि आज के कैबिनेट में आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि कुछ अहम प्रस्तावों पे भी बात की जा सकती है, जिसको आने वाले दिनों में सरकार उस पर काम करेगी। वहीं आपको बताएं कि इस साल के अंत में निकाय चुनाव है, और साथ ही साथ 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो योगी सरकार कहीं ना कहीं देखें तो पिछले सरकार से इस बार कहीं तेज तर्रार नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ आप देख रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो माफिया हैं, अजारक तत्व हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इसी क्रम में तमाम सहमति ली जाएंगी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, साथ ही साथ सबके विचार जाने जाएंगे। जी मुस्कान, विभांशु, अगर देखा जाए तो 12 बजे जो सीएम योगी आदित्यनाथ था उनकी कैबिनेट बैठक भी देखने को मिलेगी। तो इस बैठक के दौरान क्या क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि आज 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है और मंत्रिमंडल की बैठक 1 बजे है। तो इन दोनों बैठकों के अंदर में अगर देखें तो जो 12 बजे की बैठक है उसमें जो तमाम मंत्री होंगे उनकी तरफ से जो भी विकास के कार्यों की समीक्षा की गई है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि सभी एक एक मंडल के आधार पर एक एक प्रभारी बनाए गए थे, एक एक मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया था। जैसे लखनऊ के जो जिम्मा था प्रभारी बनाए गए थे, वो सरकार के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना एवं उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर दानिश आजाद अंसारी को बनाया गया था सह प्रभारी। तो ऐसे ही सभी मंडलों के प्रभारियों से भी जायजा लिया जाएगा, साथ ही साथ आने वाले दिनों में कैसे काम किया जाए और कैसे उत्तर प्रदेश को विकास के परचम पे ले जाने के लिए कैसे हम मंत्री और साथ ही साथ सरकार योगदान दे सकती है, इस पर भी चर्चा की जाएंगी। वहीं हाल ही के दिनों में आपने देखा कि प्रयागराज और कानपुर में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति थी, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करके और इसके कानून व्यवस्था से लेकर और तमाम जो प्रदेश की समस्याएं हैं उस पर चर्चा की जाएंगी। साथ ही साथ आपको बताएं मुस्कान की प्रदेश में होने वाले आपके मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हर एक मंत्री हर अपने जो गृह जनपद होगा, जो जहाँ से वो चुन के आता है, उन सब जगहों पे प्रवास पे जाएगा, चौपाल लगाएगा, साथ ही साथ 2 दिन उसे अपने क्षेत्र में गुजारने होंगे। तो वहाँ से जाकर समस्याओं को लाकर उसको रखना होगा मुख्यमंत्री की बैठक में। तो आज माना ये जा रहा है कि
जो तमाम मंत्री हैं जो भ्रमण किए हैं अपने क्षेत्रों में, साथ ही साथ अगर देखें तो सरकार के मंत्रियों का भी भ्रमण पूरे प्रदेश के अंदर में लगा रह रहा है, तो ये सभी मंत्री जो भी उन्हें उनके तरफ से सुझाव होंगे वो देंगे मुख्यमंत्री को। साथ ही साथ आपको बताएं कि विकास के कार्यों की जो बात की जा रही है कि 100 दिन के अंदर विकास के कार्य दिखने चाहिए, उस पर भी चर्चाएं हो सकती है और 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार अभी से इस पे मंत्रियों को अपने जो कामों को लेकर जो उनके अलर्ट मोड में दिख रहे थे उस पर भी चर्चाएं की जाएंगी। और आपको बताएं कि हाल ही के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको काबू करने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का एक अहम हाथ रहा है, तो इन सब विषयों पर चर्चा करके और ऐसे घटना ना हो इस पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ प्रदेश के विकास के लिए हर एक जो मंत्री हैं हर एक विभागों की उनकी तरफ से क्या काम किए गए और प्रेजेंटेशन में जो उनकी तरफ से कहा गया था उसमें प्रेजेंटेशन में दिए गए जो प्रपोजल थे उस पर कितना काम हुआ, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। जी मुस्कान, यानी कि विपांशु की कहा जाए कि इस दौरान जो बैठकें होनी है उनमें जितने भी अभी तक प्रदेश के मंत्री हैं जो जमीनी स्तर पर उतर के काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जो भी कमियां पाई उसको सुधारने का काम किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि ये माना जाए कि जो 100 दिनों का एजेंडा था प्रदेश के कायाकल्प करने का, उस दौरान जो भी कमियां पाई गई उसको सुधारने का काम इस बैठक में किया जाएगा। जी बेशक है मुस्कान, आपको बताएं कि जो मंत्रियों की तरफ से तमाम सर्वे किए गए हैं अलग 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 सेक्टर में अलग अलग क्षेत्रों में, उनके तरफ से एक रिपोर्ट दी जाएगी मुख्यमंत्री को। साथ ही साथ आपको बताएं कि मंत्रियों की तरफ से मुख्यमंत्री को कुछ ऐसे भी सुझाव दिए जाएंगे जो उनकी तरफ से देखा गया है, जो समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर में करने को है। और साथ ही आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है जिसमें 80,000 करोड़ से ऊपर निवेश की बात कही गई है, साथ ही साथ 4 लाख नौकरियां की बात की गई है, उस पर भी चर्चा की जाएंगी। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में बांट कर अगर देखें तो पश्चिम, मध्यांचल और आपके अवध क्षेत्र के मध्य और अगर देखें तो जो 4 सेक्टर हैं इन सेक्टरों में जो 80,000 करोड़ का निवेश है उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि किन क्षेत्रों में किस तरह का काम किया जाएगा। वहीं अगर देखें तो इस मुख्यमंत्री की तरफ से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें अगर देखें तो जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से शिक्षा में गुणवत्ता की बदलाव को लेकर बात कही गई थी, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं अगर देखें तो हाल ही के दिनों में आपने देखा कि विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए, तो विधान परिषद के चुनाव संपन्न होने में जो भी मंत्री आपने देखा कि तमाम सरकार के मंत्रियों के पास सदस्य नहीं थे, ना ही वो किसी लोअर हाउस या अपर हाउस से सदस्य थे, वो सदस्य बनकर अब पहुँच चुके हैं, तो पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ अहम प्रस्ताव भी दिया सकते हैं और कुछ निर्देश भी दिया सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 100 दिन की बात कही गई थी कि 100 दिन में एक बेहतर बदलाव दिखेगा, उस बदलाव में आज के मंत्रिमंडल पे जो बैठक होनी है उसमें किस तरह का चर्चा किया जा रहा है। जय मुस्कान विभांशु, अगर इस बैठक की जो खबरें अभी तक निकल के सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी बातचीत हो सकती है, उस पर भी कई बड़े फैसले आ सकते हैं, तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो सकती है? जी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ट्रांसफर पॉलिसी लाई जा रही है, जो हस्तांतरण को लेकर सरकार उस पर विचार कर रही थी और उस पर विमर्श कर चुकी है, साथ ही साथ जो तमाम विभाग हैं उनकी तरफ से उनके सुझाव मांगे गए थे, तो इस पॉलिसी को लेकर सरकार कहीं ना कहीं आश्वस्त करना चाहती है, उस पर काम करना चाहती है। और इससे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अगर ट्रांसफर की जो पॉलिसी है वो एक समान लागू करने के लिए उस पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं अगर देखें तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि जैसे परिवहन विभाग की तरफ से कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर हम परिवहन विभाग में बेहतर बदलाव लाएंगे, साथ ही जो उत्तर प्रदेश के सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक उनकी तरफ से कहा गया था कि हर एक जिलों में 100 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि नगर विकास मंत्री की तरफ से कहा गया था कि डूडो के तहत सभी जो टाउन है जो भी पालिकाएं हैं इन सब जगहों पर बेहतर विकास और बजट देने का काम किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं अगर देखें तो मुख्यमंत्री की प्रस्ताव के बाद अब निकाय के चुनाव होने हैं साल के अंत में, तो आखिरी बजट पे भी चर्चा हो सकती है और नगर विकास मंत्री AK शर्मा की तरफ से
कुछ ऐसे तोहफे भी दिए जा सकते हैं निकाय जो चुनाव होने वाले हैं नगरों को। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बैठक में क्या निकल के आता है, और आज बैठक के अंदर में तमाम लोगों की अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं कि आज की बैठक में कुछ राहत मिलने को है। तो अब देखने वाली बात यह होगी किस क्षेत्र पे किस तरह की बातें होती हैं और क्या काम करने को सरकार की तरफ से कहा जाता है। वहीं अब देखने वाली बात ये भी होगी कि जो 100 दिन का अब काम कहा गया, तो सभी विभागों की तरफ से जो तमाम प्रेजेंटेशन दिए गए हैं उसमें मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे कि किस विभागों की तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उसकी तरफ से क्या काम किए गए हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष ये मंत्री और साथ ही साथ उनके साथ विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो तैयार फाइलें हैं उसको भी मुख्यमंत्री के समक्ष वो पढ़कर उन्हें बताएंगे, और मुख्यमंत्री का अगर उस पर सहमति बनी तो उस पर प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री की सिग्नेचर भी किए जाएंगे। जी विभांशु, अगर देखा जाए तो आज दो अहम बैठकें उत्तर प्रदेश में होने वाली है, इस दौरान ट्रांसफर पॉलिसी के अलावा अन्य और कौन से ऐसे मुद्दे इस बैठक में निकल के सामने आएंगे जिस पर प्रदेश की नजर इस वक्त बनी हुई है, प्रदेश की जनता की नजर बनी हुई है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो तमाम ऐसी पॉलिसी है, तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो अगर देखें तो सरकार की लगभग ये चौथी कैबिनेट बैठक है। तो तमाम अभी देखें तो 100 दिन सरकार के होने वाले हैं और जो तमाम जो पॉलिसी है उस पर भी चर्चाएं की जाएंगी। वहीं आपको बताएं कि जो बजट सत्र में तमाम सरकार की तरफ से योजनाओं की बात की गई, साथ ही साथ अलग अलग वर्गों को अलग अलग क्षेत्रों में राहत देने की बात कही गई, और कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो रोजगार की समस्याओं को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था तो उस पर भी अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह का काम किया जा रहा है और क्या बदलाव लाए जा रहे हैं विभागों के अंदर में, और सभी विभागों के जो प्रेजेंटेशन थे उस प्रेजेंटेशन में कितनी चीज़ों को कितना काम हो चुका है उस पर भी मुख्यमंत्री मंत्रियों से जानकारी लेंगे और सबकी सहमति के बाद इस पर मुहर लगाएंगे। वहीं अगर देखें तो तमाम विभागों की तरफ से तमाम प्रस्ताव दिए गए हैं। जैसे अगर बात की जाए तो जैसे ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री से उन्होंने प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा था कि हर एक जिलों में 100 बेडों के अस्पताल बनाएंगे, साथ ही साथ कोविड प्रबंधन को लेकर अब ऐसे आपदाओं को लेकर अस्पतालों के अंदर में एक बेहतर सुविधाएं लाई जाएंगी, तो इसको भी लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बात की जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम मत्स्य पालकों के लिए बेहतर एक लाभ देंगे, सब्सिडी का काम करेंगे। वहीं अगर देखें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि मेडिकल टूरिज्म की शुभारंभ की जाएगी, तो जो सरकार की तरफ से तमाम जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में उस पर भी चर्चाएं की जाएंगी, और बजट के अंदर में जिस विभाग को जितने अलॉट किए गए हैं, जिन क्षेत्रों में जितने पैसे देने की बात कही गई है उस पर भी अब बजट अलॉटमेंट का काम किया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पर आज चर्चाएं की जाएंगी और मुख्यमंत्री की तरफ से उस पर मुहर लगाई जाएंगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो विपक्ष कह रहा है कि रोजगार की समस्याओं को लेकर, तो माना यह जा रहा है कि रोजगार और प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी चर्चाएं की जा सकती हैं। जी धन्यवाद भांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, इस दौरान तमाम कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर प्रदेश की निगाह टिकी हुई है। उन्हीं में से एक मुद्दा है ट्रांसफर पॉलिसी, जिस पर प्रदेश की निगाह टिकी हुई है। इस दौरान 100 दिनों का एजेंडा लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो भी प्रदेश के जनपदों में मंत्रियों द्वारा दौरा किया गया, जो भी कमियां पाई गई उसको सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे से अखिलेश यादव बस्ती आएंगे, गघौवा पुल पर कार्यकर्ता सपा प्रमुख का स्वागत करेंगे। इसके अलावा दिवंगत विधायक नंदू चौधरी के घर भी अखिलेश यादव जाएंगे और परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त बस्ती से निकल के सामने आ रही है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज बस्ती दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान गघौवा पुल पर कार्यकर्ता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिवंगत विधायक नंदू चौधरी के घर पर भी जाएंगे और परिजनों से शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता रजनीश पांडे फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बस्ती पहुंच रहे हैं, तो तकरीबन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है उनका बस्ती पहुंचने का?
आपको सपा सुप्रीमो जो है अखिलेश यादव जी आज बस्ती का जो कार्यक्रम का दौरा उनका लगा है 1 बजे है, और वो जो है सबसे पहले में आने पर जो दिवंगत जी के आवास करेंगे, परिवार के साथ मिलकर सामना व्यक्त करेंगे, तत्पश्चात वहां से निकलकर जो है वो एक युवा कार्यकर्ता सपा के जो कैंसर पीड़ित है और रामपुर मेडिकल कॉलेज के बगल में रामपुर पड़ता है, वहां उनके आवास पे जाएंगे और याकूब से भी मुलाकात करेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे और निकल कार्यकर्ता। धन्यवाद रजनीश पांडे। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज बस्ती के दौरे पर जाएंगे, इस दौरान वो दिवंगत विधायक के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, इसके साथ ही साथ परिजनों से शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि गगौवा पुल पर सपा कार्यकर्ता बेहद ही गर्मजोशी के साथ बस्ती में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का स्वागत करेंगे। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।